शॉप यानी कि बुक के चोर नाम के प्रोजेक्ट पे अभी हम लोग पीएचपी से बना रहे हैं, माइस्क्यूएल का डेटाबेस यूज कर रहे हैं और ये यहाँ पे टेलविन का सीएसएस और फ्रेमवर्क के तौर पे फ्लोबिट इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें हम लोग है ना यहाँ पे डैशबोर्ड का कॉलिंग, यहाँ तक 3 कार्ड में डायनेमिक डेटा डाल चुके हैं, इसके बाद कैटेगरी डाल चुके हैं और बुक को इंसर्ट कर चुके हैं, इंसर्ट बुक का पेज का काम कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग को करना है मैनेज यूजर पे काम, अभी क्योंकि साइन अप कर रहा है यूजर और साइन अप करने के बाद जो यूजर आ जाएगा वो यहाँ पे दिखाना है हमको। तो मैनेज यूजर्स, तो पेज का नाम नया बनेगा यहाँ पे मैनेज यूजर्स, ठीक है .php। ये लगभग मैनेज बुक की तरह होगा, इसलिए इसको मैनेज बुक से कॉपी करके मैनेज यूजर में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद क्या चेंज करना है वो देखिए। सबसे पहले कॉलिंग चेंज करना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स डाल देंगे यहाँ, ये चेंज कर दिया। तो जो वेरिएबल का नाम है कॉलिंग बुक, तो कॉलिंग क्या कर देंगे, यूजर कर देंगे, कॉलिंग यूजर्स और गिनती कर लेंगे। ध्यान से देखिए क्या चेंज कर रहे हैं हम। इसके बाद हम नीचे आ रहेंगे और नीचे आने के बाद यहाँ मैनेज बुक लिखा हुआ है, इसकी जगह मैनेज यूजर्स लिख देंगे, जो गिनती करेगा वो आ जाएगा। टाइटल है, उसके बाद फुल नेम आएगा, उसके बाद ईमेल आईडी आएगा और कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। पासवर्ड तो हम दिखा नहीं सकते, कॉन्टैक्ट, ठीक है। एक्शन में डिलीट दिखाना और एडमिन बनाने का ऑप्शन देना है। एक कॉलम और जोड़ देंगे, इज एडमिन, इज एडमिन, ठीक है। ये अभी हम लोग एक कॉलम रखा है। तो हम लोग कॉलिंग के टाइम में इस वेरिएबल का नाम ऊपर रखा था यूजर्स, तो इसलिए यहाँ पे यूज करेंगे यूजर्स, ठीक है। और आईडी कॉलम ठीक है, टाइटल की जगह पे लिखना है फुल नेम, ये कॉलम का नाम है, और इसके जगह पे लिखना है ईमेल, और प्राइस की जगह पे लिखना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, और जो डेल लिखा हुआ है ये दिख रहे हैं आप, ये हटा देना हमको, ये शार्पली हटा देना हमको, सॉरी, ये देखिए ये पूरा डेल टैग हटा दिया हमने, नॉर्मलाइज कर दिया। आगे का जो रूपी सिंबल है वो हटा देना है, ग्रीड का बटन रहेगा बट इसके बाद मेक एडमिन का ऑप्शन आएगा, मेक एडमिन, ठीक है। और मेक एडमिन जो बटन आएगा वो यहाँ पे दिखेगा हरा रंग में, तो हम इसको टेक्स्ट को क्या करते हैं, हरे रंग वाले बॉक्स को रखते हैं और ये ब्लू वाला को हटा देते हैं। देखो अब जो मैनेज यूजर है यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा ताकि क्लिक करके काम करें, तो लिंक के लिए हम जाएंगे इंक्लूड के पास और वहाँ है लिंक और उसके पास है यहाँ पे मैनेज यूजर का लिंक, इसमें लगाएंगे मैनेज अंडरस्कोर यूजर्स डॉट पी एच पी, ये पेज है मेरा, इस पर एक रिफ्रेश कर लेंगे और मैनेज यूजर पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ डेटा आ रहा है, यहाँ पे आईडी काम नहीं कर रहा है, शायद यूजर आईडी था, तो जब हम यहाँ पे कॉलिंग कर रहे हैं तो यहाँ यूजर की जगह यूजर आईडी लिखते हैं, तो शायद ये काम करेगा। हाँ बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ फुल नेम भी आ गया, ईमेल आईडी भी आ गया, कॉन्टेक्ट भी आ गया और इसके बाद इज एडमिन आ रहा है। तो बेसिकली कॉलन है इज एडमिन, तो इज एडमिन में अलग से यहाँ पे काम नहीं किए हैं, वो ये है कि हमको यहाँ बटन दिखाना है, थोड़ा यहाँ कंडीशन वगैरह भी लगेगा। देखो मेक एडमिन का जो बटन है वो यहाँ दिखाना है, दैट्स इट, देखिए। तो मेक एडमिन पे क्लिक करने से वो एडमिन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे यूजर तो सब आ रहा है, जो एडमिन नहीं है वो भी आ रहा है, जो एडमिन है वो भी आ रहा है, बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्या बताएं, मेक एडमिन तो सिर्फ उसको कर सकते हैं जो एडमिन नहीं है, जो पहले से एडमिन है उसको थोड़ी मेक एडमिन करना है। तो यहाँ पे कंडीशन कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि यहाँ पे उसी में मेक एडमिन का बटन आए जिसको एडमिन नहीं बनाया अभी तक, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन लगा देंगे, पीएचपी की मदद से लगा सकते हैं आराम से, और डॉलर रो एचटीएमएल लिखेंगे, इफ डॉलर रो में इज एडमिन अगर 1 है, तो इसका मतलब वो एडमिन है, यस नो यहाँ पे दे देते हैं, और ये जो बटन है मेक एडमिन का उसको डाल देते हैं इधर, और यहाँ पे पीएचपी बंद। आप नोटिस करेंगे जिसमें नो आ रहा है वो एडमिन नहीं है, जिसमें यस आ रहा है वो एडमिन है, ठीक है। जिसमें एडमिन है वो मेक एडमिन उसमें नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, ऑलरेडी है वो। तो इसके लिए हम यहाँ पे पीएचपी करेंगे और कंडीशन लगाएंगे, इफ डॉलर रो इज एडमिन नॉट इक्वल टू 1, अगर वो 1 ना हो तभी ये काम करे, मतलब एडमिन ना रहे तभी ये दिखे। तो ये दूसरा इंड इंड करना है इसको, इंड इफ, ओके। ये देखो क्या हो गया, अच्छा ये बैक डबल दो बार है तो ये से स्ट्रिंग में स्टोर हुआ है ना, तो ये चेक करेगा उसको, देखो उसमें साड़ी है, तो जो एडमिन ऑलरेडी है उसमें से ये बटन हटा दिया गया। तो हम लोग डायनेमिक इफ एल्स कर लिया है, और जो नहीं है एडमिन उसको बना सकते हैं, जैसे क्लिक करेंगे और बन जाएगा, तो क्लिक करें बन जाए ऐसा थोड़ी होता है, क्लिक करेंगे तो उसमें एक अपडेट का क्वेरी चलेगा और वो जाके 0 को क्या करेगा, 1 कर देगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे एडमिन बनाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से प्रोसेस नहीं लेंगे, मतलब बेसिकली थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी बटन बना के छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। मैनेज यूजर में 3 डेटा आ रहा है जो डायनेमिक है, और यहाँ इंसर्ट का बुक आ रहा है जो कि हमको नहीं चाहिए, राइट, तो हमको नहीं चाहिए मतलब यहाँ से हटाना पड़ेगा, ये टैग को हटा दो, हो गया। ये तो बुक के लिए था तो वहाँ काम कर रहा है, यहाँ पर तो जरूरत नहीं है।
तो हो गया मैनेज यूजर का पेज भी तैयार। अब आपका जो यूजर यहाँ डायनेमिक तीन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर के ऊपर काम अभी किया नहीं है और ऑर्डर के ऊपर काम हुआ नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट पेज और उसमें डिजाइन करेंगे कि जब हम इसे क्लिक करें, मतलब किसी कार्ड पे क्लिक करें तो फिर कौन सा पेज खुलेगा, या फिर हम ड्रामा पे क्लिक करें तो सारा बुक ड्रामा वाला दिखना चाहिए, या फिर हम सर्च करें तो वो सर्च होना चाहिए। ठीक है, ये सारी तीनों चीज़ों को करेंगे। सबसे पहले हम लोग है ना ये जो पेज अभी ओपन है उसको क्लोज कर लेते हैं, और एडमिन के अंदर का काम नहीं है इसलिए हम बाहर आ जाते हैं। अब हम बाहर वाले पेज में देख रहे हैं, रजिस्टर है यहाँ पे, लॉगिन है यहाँ पे, इंडेक्स है यहाँ पे, अलग अलग पेजेस बनाए गए हैं। ऐसे करके एक पेज और बनेगा, उसका नाम होगा व्यू डॉट पी एच पी। व्यू का मतलब व्यू बुक। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली व्यू बुक का पेज को डिज़ाइन करेंगे। कैसे डिज़ाइन करेंगे, देखो बैकटिक लगा, ये सब लगा देंगे। हालांकि इंडेक्स से कॉपी कर सकते हो, ये सब चीज़ तो कॉमन है ना, ये स्लाइड बार साइड बार ये सब कॉमन है, तो कॉपी कर सकते हो, जैसे टाइम थोड़ा बच जाएगा तुम्हारा, और इसको इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। हो गया, तो इतनी चीज़ें तो आ गई मेरे पास। इसके बाद हमको क्या चाहिए, इसके बाद का एरिया में हम लगाएंगे एक फ्लिक्स। ठीक है, और फ्लिक्स के अंदर लगाएंगे यहाँ पे पहला एक और अंदर में फ्लिक्स, और उसके अंदर में लगाएंगे एक इमेज का पार्ट, और दूसरा लगाएंगे, यही पागल हो गया, W-3x12। तो बेसिकली 3x12 का एक बॉक्स बनाएंगे और उसके अंदर में इमेज डालने की कोशिश करेंगे, जो एक्चुअल में मेरा इमेज होगा बुक का। इमेज IMG से बनेगा SRC, और यहाँ पे हमको PHP चला देना। तो व्यू का जो PHP चलेगा वो एक्चुअल में कैसे चलेगा वो बताते हैं, ये अभी हम ऐसे छोड़ देते हैं। ठीक है, डिजाइन करने से पहले लॉजिक लिख लेते हैं। इंडेक्स में जब हम क्लिक करेंगे, जब हम इंडेक्स पे क्लिक करेंगे तो ये है मेरा कार्ड जहाँ पे क्लिक होके जाएंगे। तो ऐसा कुछ काम नहीं किए कि बटन के यहाँ पे कोई ऐसा कोई लिंक नहीं जिस पे क्लिक करके जा सकते, तो हम लोग ऐसा पूरा लिंक को कवर करेंगे, एक डिव को पूरा कवर कर सकते हैं ये टैग के अंदर। तो हम ए टैग के अंदर इसको कवर कर लेते हैं। दैट्स मीन कि मेरा जो प्रोडक्ट का कार्ड है, ये प्रोडक्ट कार्ड है, प्रोडक्ट का जो कार्ड है वो पूरा लिंकेबल बन जाए। यानी देखो अब इसके कर्सर रखोगे, जब रिफ्रेश कर रहे, देखो जब कर्सर रखोगे तो लिंक के जैसा काम कर रहा है, बट पहले नहीं था। तो क्या किए, ए टैग से सिर्फ घेर दिया और कुछ नहीं किए। और इसमें क्लास लगा के जो लगाना लगाओ, लेकिन इसके अलावा हमको चाहिए किस पेज में जाना वो बताना, किस पेज में जाना, व्यू डॉट पी एच पी में। तो जब क्लिक करेंगे तो कौन से पेज में चलेगा, ऊपर देखो व्यू डॉट पी एच पी, यानी हर क्लिक करने पे जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि इस पर क्लिक करने जाएंगे तो इसी का बुक दिखना चाहिए, इस पर क्लिक करके जाएं तो इसका दिखना चाहिए, तो वो यूनिक करना पड़ेगा। इसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क और BID मतलब बुक आई डी, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, लूप चल ही रहा है रो, और से बुक आईडी को निकाल के दिखा देंगे। ऐसा तो हम लोग कई बार कर चुके, कोई नई बात है नहीं। बस वेरिएबल का नाम इस बार BID रखा, आईडी की जगह BID, तो BID नाम रखा, और व्यू का पेज में इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट मतलब यहाँ पे हमको कॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे फेचिंग बुक इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू द BID ऑफ गेट वेरिएबल। गेट वेरिएबल बोलते हैं ना, वेरिएबल। दिल थाम के बैठिए और देखिए आराम से यहाँ पे हम लोग BID के हिसाब से काम करेंगे। हम कहेंगे सबसे पहली बात की कि भैया अगर किसी वजह से BID के बिना आ रहे हो तो, यानी डायरेक्ट तुम व्यू डॉट पी एच पी में आ रहे हो, रिडायरेक्ट होगा। इफ नॉट इज सेट डॉलर अंडरस्कोर गेट BID, अगर BID नहीं है तो रिडायरेक्ट हो। मतलब हम नहीं चाहते कि बिना ID के कोई यहाँ पे आए, क्योंकि इससे एरर आएगा। ठीक है, जैसे हम बोलेंगे कि भैया अगर ऐसा स्थिति है तो तुम इंडेक्स में वापस चले जाओ, कहाँ चले जाओ, इंडेक्स में। तो इफ Not is said, यहाँ एक छोटी ब्रैकेट छूट गया, देखो if not is said, कौन BID अगर URL में नहीं रहेगा तो redirect हो जाए। ये सेफ्टी के लिए लगा दिया, ताकि अब क्या होगा कि जब कोई बिना ना BID के जाएगा, देखो ये redirect हो गया, वापस इंडेक्स में आ गया, गया ये BID के साथ गया तो रुक गया, लेकिन BID के बिना अगर कोई जाता है, यानी BID नहीं रहता तो इंडेक्स में अपने आप redirect। तो ये मेरा redirect का कोड लगा दिया मैंने, अब मैं यहाँ पे डेटा फेच करूँगा। ठीक है, यहाँ पे कमेंट लिख देते हैं, redirect if view this page without ID, अगर बिना ID के इस पेज को कोई देखना चाहेगा तो क्या होगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा। चलिए इसका वेरिएबल अलग कर लेते हैं, तो BID अलग कर लिए। अब इसमें क्वेरी चलाते हैं, क्वेरी MySQLi क्वेरी कनेक्शन वेरिएबल का नाम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स टेबल का नाम, वेयर ID इज इक्वल टू BID, सिंपल। अब हम इसके बाद डेटा को निकालेंगे, देखो
अगर जो डेटा हम फेच कर रहे हैं वो ना मिले, जैसे देखो MySQL आई नम रोज अगर जीरो हो जाए किसी वजह से, तो क्या करना है, फिर से रिडायरेक्ट करवा देना है। मतलब अगर डेटा नहीं सही है, गलत है, तो क्या होगा, रिडायरेक्ट हो जाए। इसके अलावा हम क्या कहेंगे कि मेरा डेटा को निकालो MySQL फेच अरे की मदद से। निकाल दिया उसने, किसमें स्टोर कर दिया, रो नाम से। आपको याद रहना चाहिए रो नाम से, तो यानी यहाँ इमेज दिखाना हमको, तो हम इमेज दिखाने के क्रम में यहाँ पे PHP शुरू करेंगे, और यहाँ पे सिंगल कोड का इस्तेमाल कर सकते हो आराम से। PHP यहाँ पे बंद कर दो, सिंगल डबल दोनों यूज कर सकते हो, ठीक है, ताकि तुम PHP से बाहर जो लिखा हुआ है, ये HTML का पार्ट है और ये PHP का। तो फोल्डर का नाम बताओ, अभी तुम बाहर हो तो इसमें डॉट डॉट स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। इमेज और उसके अंदर प्रोडक्ट्स, फोल्डर का नाम प्रोडक्ट्स है ना, याद है कि नहीं, देखिए प्रोडक्ट्स उसके अंदर इमेज है, तो स्लैश तब इमेज का वेरिएबल, डॉलर रो बड़ी ब्रैकेट कवर इमेज, ये कॉलम का नाम है, तो ये मेरा इमेज है। चेक करें, एरर आ गया क्या, दो बार PHP इंजर्ड हो गया, क्या कर रहे हैं इसमें, PHP के अंदर PHP डबल कोट्स डॉट हो गया, मेरी गलती है थोड़ी सी, यहाँ पे हम गड़बड़ कर दिए, सेमी कॉलन PHP का ये एक डॉट हो गया, हो गया सेफ। तो बेसिकली हमें ना यहाँ से यहाँ तक देखो ये PHP है, और इसके अंदर मैं पहले स्ट्रिंग लगाए ये वाला, और उसके बाद इसको वेरिएबल लगा दी, तो जोड़ दिया आपस में दोनों को, ताकि मेरा अच्छे से काम करे। तो हम चेक करना चाहेंगे, जब हम इसे क्लिक करेंगे तो मेरा इसका इमेज आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा भाई, ओ ID नंबर 2 आना चाहिए, यहाँ पे इमेज में लगाते हैं क्लास नेम W-Full। अब देखिए तो एक बार यहाँ राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी हम व्यू के पेज पे, बॉडी के अंदर ये वाला टैब है साइड बार, ये नीचे हम बनाया है, और इसके नीचे यहाँ हम बनाया है, वो बहुत छोटा है, इसका विथ नहीं है, सॉरी। देखो यहाँ फ्लिक्स में किसी में विथ नहीं है, या तो फ्लिक्स डैश वन लिख दो, या तो W-Full लिख दो, फ्लिक्स डैश वन, तो आपस में इसका साइज नहीं था। अब ये इमेज आ रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, बट इसका URL पूरा नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, जरा से इसको देखो, वार्निंग आ रहा है यहाँ पे, वार्निंग क्या रहा, ऑफसेट, ये PHP का वार्निंग है, ठीक है। तो इसकी वजह हो सकती है कवर इमेज शायद नाम नहीं है, इमेज कवर है, इमेज कवर इमेज है, मॉडल डेटाबेस मॉडल में क्या नाम है, चलो लोकल होस्ट में चेक करते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। देखते हैं बुक चोर, यहाँ पे है बुक्स कवर इमेज, ये तो नाम है। देखो अब हम कैसे इसको डीबग कर सकते हैं, क्या वजह है कि नहीं मिल रहा हमको, बुक आईडी है, आईडी है, आईडी है, स्पेस स्पेस कारण तो नहीं बन रहा है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स BID, गेट BID में डेटा है 2 है, एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि क्या वजह हो सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको मिल नहीं रहा है इमेज, और यहाँ आ रहा है ऑफसेट का एरर, बढ़िया सा फर पेज, इसको क्लिक करके देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ से SRC से इको हो रहा है कवर इमेज MySQL फेच एरे, चलिए प्रिंट अटका लगाते हैं, प्रिंट आर का काम क्या होता है, एरे को प्रिंट करना, तो हम इसे चेक कर लेंगे, ये आ गया मेरे पास एरे, इसमें देखिए तो 0 नंबर इंडेक्स पे ID, उसके बाद 1 नंबर इंडेक्स पे ये, उसमें टाइटल कवर इमेज यहाँ है। अब हम बड़ी ब्रैकेट लगा के अगर कवर इमेज लगाएंगे, कवर इमेज, तो ये नाम आना चाहिए ग्राफिक डॉट, हाँ नाम भी आ रहा है, तो नाम में भी कोई डाउट नहीं है, यानी मेरा वेरिएबल तो ठीक है, डेटा कॉलिंग वॉलिंग ठीक काम कर रहा है, जो प्रॉब्लम हो सकता है वो है IMG टैग में। इमेजेस हम बाहर हैं, ये इमेजेस, इमेजेस के अंदर प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के बाद कवर इमेज, ओहो इसको तो कॉल नहीं किया ना, कॉल किया, हाँ कॉल तो हुआ है, कवर इमेजेस, व्हाइल लूप क्यों चलाएंगे सिंगल डेटा के लिए, हाँ सेकेंड आईडी, अच्छा वन फर्स्ट आईडी वाला यूज करें,
ये तो रिडायरेक्ट कर दिया, ये फर्स्ट सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड वाला देख लेते हैं, यहाँ पे भी स्टिल इश्यू है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम बुक्स, बुक्स टेबल का नाम सही है, वेयर आई जी इज इक्वल टू बी आई जी, बी आई जी में डेटा है। डेटा यहाँ तो फिर ठीक ठाक है, परी चल रही है ये भी ठीक है, जो दिक्कत है यहाँ है। एक काम करते हैं हम, यहाँ से इस पर डालो, ये देखते हैं इमेज सही यूआरएल नहीं ले पा रहा है, डॉट स्लैश। एक काम करते हैं, इसमें कोई इशू है, इसमें इशू है या नहीं है ये पता लगाने के लिए बाहर में प्रिंट करके देख लेते हैं। ये देखो यहाँ इशू है, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर। बोलो क्या क्या हुआ, कौन आधार लॉग इन करो, आधार कार्ड पे उनका आधार कार्ड नंबर और ओटीपी मांग के। हाँ हाँ तो वो आ रहे, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर इस वेरिएबल को अनडिफाइंड देख रहे हैं, क्या वजह होगा, कैसे देख सकते हैं हम अनडिफाइंड। कवर इमेज पीएचपी क्या बात है, और कहीं अंदर भी इस समय भी रो है कहीं भी क्या। अच्छा फिर कवर आईडी 1, ठीक तो कवर इमेज ये 1 थोड़ी आ रहा है, ये सॉर्टिंग वाला मामला। What the actually problem is, MySQL fetch array query यहाँ डाला, ये offset undefined क्यों आ रहा है, एक बार देखें क्या मामला है। प्रिंट आर कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यानी बीच में कोई वेरिएबल आ गया है, ये अभी भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे पीएचपी एक्चुअल में काम ही नहीं कर रहा है। अगर मेरे पास डेटा तो है, मेरे पास देखो डेटा है ना, कवर इमेज रो में डेटा है, कवर इमेज में हम वेरिएबल भी आ रहा है मेरे पास, नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है सिंगल बुक, ऐसा नाम जो अभी तक यूज किया ही नहीं है, इसको कमेंट कर देते हैं और नीचे वापस से अपनी जगह पे आते हैं और यहाँ पे पीएचपी शुरू करते हैं। सिंगल बुक बड़ी ब्रैकेट कवर इमेज वेरिएबल का इशू होगा, हो सकता है कि हेडर साइड बार या फिर साइड बार, इन तीनों में से कहीं पे भी इंक्लूड में रो नाम का वेरिएबल होगा, देख लेते हैं साइड बार में, देख कैट नाम से यहाँ पे है, सब हेडर में देखो यहाँ रो नाम से, तो कंफ्लिक्ट हो गया नाम में, तो इसलिए ऊपर काम करता है नीचे काम नहीं करता, तो उसको नाम चेंज किया तो सॉल्व हो गया, देखो इमेज आ गया, ठीक है। तो इसके पेज को पूरा कंप्लीट कर लो डिज़ाइन के तौर पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।